क्या किया हमने लास्ट? ये देखो कब से नहीं डेबिट। क्या बात कर रहे हो। अच्छा तो के बाहर मेरी टैक्सी फट चुकी है अभी। आगे पीछे से तेज बाहर आए। कौन सा यूनिट का एग्जाम है ये बार? सीजीए हार्ड है। कैसा है ये? नल्ला है ना डेटा तो नहीं है। ये वो है ना पॉल्यूशन पॉपुलेशन। हाँ पॉल्यूशन पॉपुलेशन ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस वो सब रहेगा। दिमाग का है ग्रीन हाउस का हास्टल नहीं समझा होता क्या है। आधी स्कूल के बाद तो उसी में निकल गए। ग्रीन हाउस मतलब हरा कलर का घर रहेगा। मेरे पास स्कूल के टीचर ने पूछा तो बेइज्जती हुई तो समझ में आया ऐसे की बात हो रही है। तो ग्रीन हाउस मतलब क्या है? पढ़ाना ऐसा नहीं होने। चलो इसमें भी आता है ना के टी जी में फटाक से इग्नोर करते सब फिजिक्स वाले। चलो आगे नेक्स्ट देखो क्या किया हमने लास्ट एग्जाम क्या था। जैसे मैंने कहा कि 3D ऑब्जेक्ट के लिए एरिया वेक्टर कैसे बनाते हैं? रेडियली आउटवर्ड्स है ना। तो चलो अभी ध्यान देना आते नेक्स्ट। अभी देखो हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे उसका फ्लक्स कितना होगा। व्हाट विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। तो सबसे पहले अगर एग्जाम्पल है ना यहाँ पे ऐसा लिया देखो लाइक दिस कि मान लो यहाँ पे क्यूब है ऐसा जैसे क्यूब ही है। मैं ऐसा ड्रॉ करता जाऊँ हमको सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ है जैसे एक्स वाई जेड पहले क्यूब बना लिया यहाँ पे ये है वाई यहाँ पे एंड दिस इज जेड एक्सेस। सही है। तो ये x है ये y है और ये z। मैं कमिंग सर आ जाओ अभी और क्या ऑप्शन है। चलो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसा जा रहा है ये इलेक्ट्रिकल इसके थ्रू पास हो रहा है। समझ में आ रहा है ना खाली डायरेक्शन वहां से बताया। तो अभी ये क्यूब के हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा ये फाइंड आउट करना। दैट इज नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कितना पास होगा ये फाइंड आउट करना है नॉर्मली। सो फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस ऑफ क्यूब। चलो देखते हैं कितना फाइंड आउट कर पाते हैं। ट्राई करो थोड़ा सा सोचो कैसे करना है क्या करना है। तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख के रखता हूँ फाइंड आउट करना सीख रहा है। ठीक है
आया आंसर इसका है, हर एक सर्विस फाइंड आउट करना आ गया। अच्छा घर पे बता रहे हो, ठीक है। थर्ड वाला करो, देखो इधर सेकंड थर्ड करते जाओ। देखो अभी ये सेकंड वाले में आपको फाइंड आउट करना है थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, और फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। आगे का ऑप्शन ऐसा है, देखो आपको यहाँ पे ना इसके चार सर्विसेज फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है क्या? हाँ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सब ऐसे ही, सब में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऐसा ही नहीं है। चलो अभी इसके पहले 10 क्वेश्चन किए, वो देखे ना आपने कि हाँ बोल रहा है। <गुण। laughs>
पहला क्वेश्चन देखते हैं यार, डेंजर आदमी यार हर्ष भी ना चला आया क्या आंसर? हेलो क्या बैठ के काम कर रहा है? चलो इधर देखो भाई, हेलो पे अटेंशन। चलो अभी इसके अंदर कितने सरफेस है? छह। कौन से देखो इधर, ये पहला है, ये 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 कटर कर गया, ये राना, ये राना, ये बोला अभी इलेक्ट्रिक बिल ऐसा जाना, सबका एरिया वेक्टर बना है, आपको अलग अलग सरफेस ले रहा, सबका एरिया वेक्टर किधर होगा? आउटवर्ड ना, विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ द सरफेस आउटवर्ड। तो बोला अगर आउटवर्ड ड्रॉ किया तो आउटवर्ड कैसा होगा? लाइक दिस, ये आउटवर्ड है, समझा ना, ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है। बोले यहां पे कैसा होगा? ये इनवर्ड होगा ना ऐसा, और यहां के लिए कैसा होगा? आउटवर्ड। सो टेल मी, यहां भी ई बार ऐसा जा रहा है, तो कह रहा है फॉर सरफेस वन द एंगल इज 180 एंड फॉर सरफेस फाइव द एंगल इज 0। रेस्ट ऑफ द सरफेस का एंगल कैसा है? 90। तो फ्लक्स कैसा होगा? 0। सो व्हाट डू वी से कि फ्लक्स जो है फॉर सरफेस वन वो कितना होगा? इट विल बी ई ए कॉस थीटा, बोलो ई रिमेंस ई, एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर ना, दैट इज ए स्क्वायर और कॉस ऑफ 180, सही है। बाकी सबका फ्लक्स कैसा? फ्लक्स अगर चलो ये ले लिया है सरफेस का 5, तो ये क्या होगा? ई ए, तो ई ए स्क्वायर कॉस ऑफ 0, सही है। चलो नेक्स्ट है, अभी कितना है? ए 2 4 बोलो 5 2, इसका वैल्यू क्या होगा? 0। क्यों 0? 90 ऐसा हो। चलो नेक्स्ट है आगे, अभी बोलो टोटल नेट फ्लक्स कितना होगा? 0 ना। बोलो फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब पूरे क्यूब का अगर मुझे फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना फ्लक्स पास हो रहा है? तो बोलो इफ फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी तो क्या लूंगा? एल्जेब्रिक सम ना, दैट इज 5 1 अप टू व्हाट? 5 n। तो 5 n कितना आएगा बोलो? सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब कितना होता है? 0। सर वो सरफेस वन के लिए एरिया वेक्टर कैसे कंसीडर करते हैं?
ऐसे कैसे ऐसा सरफेस वन के रिस्पेक्ट से वो इन्वर्ट हो गया ना, ये आप इसको सरफेस बोल रहे हो बराबर है, तो सरफेस वन के हिसाब से वो इधर है आउटवर्ड और ये सरफेस का इधर ऐसा, समझा नहीं समझा, वैसा है मतलब अगर आप ये सरफेस के लिए ऐसा लोगे ना कि ये उसके लिए आउटवर्ड है तो ये इसको ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, बट आप लॉजिकली सोचो ना आउटवर्ड का मतलब होता है क्यूब के बाहर, तो ये आउटवर्ड होना क्यूब के बाहर, ये आउटवर्ड होना क्यूब के बाहर, बॉडी के अंदर नहीं आ सकता बॉडी के बाहर, ये बाहर ये बाहर ये बाहर ये बाहर, समझा तो क्लियर है ये। सेकंड वाला आया क्या, आया क्या इसका आया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन के अलोंग ईएन माइनस सरफेस एरिया के अलोंग जीरो, एरिया कितना होगा बेटा सब्स्टिट्यूट करो तो ये इधर होगा ऐसा, इसका एरिया कितना इधर होगा ना ऐसा, सही है। चलो नेक्स्ट आगे, अब आगे का एरिया वेक्टर कैसे लूंगा मैं, कैन आई से ये जो सरफेस है कैसा ऐसा है ना, दिस इज लाइक दिस हियर, तो इसको एरिया वेक्टर कैसे बना सकता हूं ऊपर या तो ऐसा ना सरफेस ऐसा है ऐसा, तो सरफेस को परपेंडिकुलर होता है ना इसका एरिया वेक्टर, तो ऐसे 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 कैसे बना सकता है ना, आप इधर बना लो ऐसा, दिस इज एरिया वेक्टर हियर, अरे नहीं समझा क्लियर है ये, वंस अगेन लुक टू इट, ये सरफेस ऐसा है इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, आप ऐसे ड्रॉ करो या तो ऐसे ड्रॉ करो या तो ऐसे ड्रॉ करो या तो ऐसे ड्रॉ करो, वो कैसा आने वाला है परपेंडिकुलर, सो यहाँ पे ए बार ऐसा होगा, तो नाउ टेल मी फॉर क्रॉस सेक्शन इफ आई कंसीडर ये क्या होगा, ई ए कॉस थीटा ये वन हो गया ना इधर, चलो इसको वन ले लिया इसको टू ले लिया इसको थ्री ले लिया, तो वन के लिए एंगल कितना है 180 ना, अरे बोलो तो वन कितना होगा अभी E pi r square minus था, tell me hello, so next आगे 2 के लिए कितना होगा cos 0 ना, hello angle कितना है 0, तो ये कितना हो जाएगा E pi r square, बोलो 3 क्या होगा angle कितना है 90 ना, बोलो तो अगर ये 90 है so tell me क्या मिलेगा, सबको समझ में आ रहा है ये, ये इसका फ्लक्स है। चलो नेक्स्ट इसका थर्ड वाला करो, पढ़ो चार सरफेस बताया आपको मैंने,
थोड़ा आया क्या इसका? क्या आया सर? चलो ध्यान देना भैया, कैसे होगा देखो, पे अटेंशन यार। सरफेस वन, सरफेस टू, सरफेस थ्री, सरफेस फोर, कुल आएगा कितना कितना होगा सबके लिए? 180। इसका एरिया कैसा होगा? लेफ्ट ना राइट? दूसरे वाले का पूछ रहा क्या रहे हो? इसका क्या होगा? इसका इसका चलो ये और ये तो बाहर ना, कितना आएगा? सॉरी फोर वाला कितना होगा? जीरो थीटा कितना है? बचा कौन? वन है। दो लोग कितना होगा? माइनस ई ए। अभी देखो ध्यान दे रहा है, हमको अभी एरिया लेना ना, एरिया तो कैसे लगेगा अभी एरिया यहाँ पे क्या होगा? जैसे अभी ई ए कॉस थीटा फाइन ना। सो नेक्स्ट इज बोलो वन के एरिया आएगा कितना है? 180। सो 180 के लिए बोला अभी नेक्स्ट क्या कंसीडर करेंगे हम लोग यहाँ पे? सो दिस विल बी माइनस ई फाइन ना। और बोलो अगर तरीका निकाला तो दिस विल बी ई ए cos of 0, what do I get? EA. सही है? क्लियर है ना ये? चलो अभी अगर मुझे इसका एरिया लेना है, एरिया तो कितना होगा? व्हाट विल द एरिया? साइड स्क्वायर ना, कुछ और दूंगा। चलो मैं आपके लिए अगर क्वेश्चन को थोड़ा देखे तो रिफ्रेम करता हूँ, रिफ्रेम दिस क्वेश्चन थोड़ा सा। हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया? चलो ये ठीक है, ये ई आया, ई आया। थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐसा लेते थे, जो ये ई है ना, ई दिस ई, इसका वैल्यू है ई नॉट एक्स आई क्या? ये वैल्यू है इसका, ई नॉट एक्स आई। तो चलो अभी ये आपने निकाला, ये आपने निकाला, तो ये क्वेश्चन हमको ये पूछा है कि फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस एंड फ्लक्स टोटल, समझ आ रहा है क्या? चलो ईच सरफेस हमने फाइंड आउट कर लिया, बट अभी ई का वैल्यू सब शूट करते हो, बोले क्या हो जाएगा? माइनस ई नॉट एक्स ए ना। बोले एक्स किसके लिए बोला यहाँ पे? सरफेस वन के लिए ए ना, और एरिया कितना है? ए स्क्वायर ना। तो कितना होगा ये? माइनस ई नॉट ए क्यू बराबर है। चलो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? टेल मी ई कितना है? ई नॉट एक्स। बोलो थर्ड सरफेस के लिए एक्स कितना होगा? ए प्लस ए टू ए ना, और एरिया कितना है? ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ई नॉट टू ए क्यू सही ना। तो बोलो ये हो गया फॉर ईच सरफेस, टोटल कितना होगा? सो टू माइनस सही है, तो कितना आ जाएगा? ई नॉट ए क्यू। तो देखो यहाँ पे वो जीरो नहीं आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है ना। और आपको पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो लाइन्स ऑफ फोर्स विल चेंज, फ्लक्स विल चेंज। तो यहाँ का फ्लक्स और यहाँ का फ्लक्स अलग अलग है, जिसके हिसाब से आंसर आ रहा है। चलो क्लियर है क्वेश्चन, समझा सबको? चलो फटाफट नोट डाउन करना जो भी बाकी है, इसके बाद थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं।
चलो डन हेलो हो गया। जैसे को अभी कैसे बात करेंगे, अभी ध्यान देना आगे थोड़ा सा, अभी इतना समझा सको क्लियर है कैसे करता है। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स गॉस गॉस हियर। और एक क्वेश्चन करना है, हाँ हाँ वही बता दो बेटा, है ना इधर से उसी से हम लोग गॉस को इंट्रोड्यूस करते हैं। वैसे आपको जो स्पीयर वाला लिखा था हमने, अभी मैं वापस ड्रॉ करता हूँ, मैं उसी से बॉस को अंडरस्टैंड करता हूँ, ध्यान दे रहे हैं आप। तो इन सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, हाउ डज इट वर्क, कैसे हम बॉस को इंट्रोड्यूस करता हूँ, ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कान खोल के सुनना, कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इफेक्टिव है। लिसन टू इट केयरफुली। सो विनायक इसलिए रहो, मान लो यहाँ पे एक चार्ज है प्लस की, और ये चार्ज प्लस क्यू एनक्लोज है स्पीयर में, सो क्लोज लूप ऐसे स्पीयर में एनक्लोज है लाइक दिस, इज एनक्लोज्ड इन अ स्पीयर लाइक दिस। ये स्पीयर कितना फ्लक्स देगा ये पूछा है। चलो अभी क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए यहाँ, और शुड वी डू चलो ये चार्ज है, आपको ये समझता है कि आपको फ्लक्स बता रहा है। सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा ऐसा ना, इतना क्लियर है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा इसका। प्लस चार्ज है ना वो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे बनता है रेडियली और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द चार्ज, ये सब पता होना चाहिए भैया, सब कल बताया था मैंने, याद होना चाहिए, सुना होगा तो याद होगा। सो टेल मी नाउ आगे क्या, अभी कैसे क्या फाइंड आउट करो, फ्लक्स चाहिए मुझे, फ्लक्स इज ई ए कॉस थीटा ना, तो क्या है अभी एरिया भी उसी कह लो, कैसे हर डायरेक्शन में ही है, तो हर डायरेक्शन सर्कमफेरेंस सर्कम टूपायर, अच्छा टूपायर होता है सर्कमफेरेंस, वो भी स्पीयर है। सर्कल नहीं है वो। चलो आगे क्या, कैसे फाइंड आउट करोगे, मेथड तो ये है ना, पहले ई बार मार्क करो, फिर ए बार मार्क करो, और फिर फ्लक्स लेके ई ए कॉस थीटा सॉल्व करो, एंगल वगैरह देख के, बट अभी तो लफड़ा हो गया।
ये ई जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब कहाँ से क्या ई कैसे लेके जाए वो समझ में नहीं आया। कैंसिल आउट करेगा ना सारे। हाँ तो फ्लक्स जीरो ना, अरे चैप्टर खत्म जाओ। सी ये सब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके थ्रू पास करा रहा था ना। अब हमने क्या किया है, एक एनक्लोज्ड बॉडी के अंदर चार्ज रखा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और वो लाइन्स ऑफ फोर्स वो पर्टिकुलर बॉडी के सरफेस के थ्रू जाएगा। तो अभी हमको फाइंड आउट करना है कितना लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहा है, कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसमें से। हाँ ना, तो देखो इसके लिए ना एक मेथड लगता है। क्या बता रहा हूँ मैं कुछ, अभी चिल्ला के मैंने क्या बोला कि सरफेस पे से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो ना, है ना। हाँ सर ध्यान दो यार, पे अटेंशन यार। अभी देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना, सब प्रेजेंट बोर्ड पे होना चाहिए। चलो ये अभी हमको फाइंड आउट करना है कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पता है क्या, इसमें से एक छोटा सा एरिया सिलेक्ट करते हैं, पता है जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट अ स्मॉल एरिया, और हम कहेंगे कि ये जो पूरा बॉडी है ये ऐसे बहुत सारे छोटे एरिया से बना है ना। तो मान लो मैंने एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट किया ऐसे, यस समझा गया, ये है प्लस जीरो होता है राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो समझ में आ रहा है, ये अंदर चार्ज रखा है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू सरफेस। मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, ये एरिया छोटा सा, और ये जो एरिया है ये डी ए बार होगा ना। और अभी के लिए अगर आप इसका एरिया वेक्टर देखो तो ये ऐसा ही है, this is d a bar, clear hai? But what is the angle between e bar and d a bar? Zero. Theta is zero here. Clear hai? Next is theta yahan pe zero hai. Ab next, bole chote se area ke through jo lines of force pass hoga, uski wajah se mujhe kya milega? Chota sa flux na, which is going to be what? D phi, which is what? E bar dot da bar, सही है। यहाँ पे वो जो होगा, that is going to be the angle is going to be zero. But generalized form क्या होगा? D phi will be what? E bar dot da bar. अभी next is, can I say if I want to find out total flux, can I say I need to integrate ना? तो जो छोटा-छोटा area add करके जो मुझे flux मिलेगा, पूरे area का मिलेगा, तो मतलब क्या करना पड़ेगा? Integrate, which will be integration of what? E bar dot da bar. सही है, that is flux is what? E D A cos T. चलो सही है, hello, fine. तभी से याद रखो, जब भी आपको एक कोई भी बॉडी दिया होगा जिसमें चार्ज है, वो चार्ज के वजह से वो बॉडी में कितना फ्लक्स पास होगा अगर ये आपको फाइंड आउट करना है, तो वो फ्लक्स क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, क्या होगा? ई डी ए कॉस थीटा। अब देखो आगे देखो, यहाँ पे ये फॉर्मूला सही है। नेक्स्ट इज, अभी ई डी ए कॉस थीटा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। चलो यहां पे ये एग्जांपल ले लिया, ये वाला फॉर एलिमेंट डी ए स्पीयर, बोलो व्हाट इज द एंगल हियर बिटवीन ई बार एंड डी ए बार, बोला एंगल जीरो है तो ये क्या हो जाएगा? ई डी ए, यस और नो? बोला अभी कैन आई से, इतनी चीज ध्यान दो, टेल मी हियर, ये छोटे से एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? यहाँ पे भी लिया तो ई, मतलब देखो ना, अगर आप कहीं पे भी ये छोटा सा एलिमेंट लेते हो तो ये डिस्टेंस आ रहा है, तो ये डिस्टेंस भी आ रहा है, ये डिस्टेंस भी आ रहा है, ये डिस्टेंस भी आ रहा है। आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी किसकी वजह से करता है, डिस्टेंस ना, नहीं समझा?
बट कितने भी जितने भी यहाँ पे एलिमेंट होंगे सबका डिस्टेंस सेम रहेगा अलग अलग, तो सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम और डिफरेंट सेम ना। मतलब यहाँ पे ई कॉन्स्टेंट है कि वेरिएबल है? कॉन्स्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको? ये जो फॉर्मूला है ना, अब देखो इसके अंदर ई कॉन्स्टेंट है तो ई को बाहर ले लो, कॉन्स्टेंट बाहर जाता है ना इंटीग्रेशन लाइक दिस, सही है? तो क्या बच जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए तो बोल ही दिया ना, अरे इफ आई टेक इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब आई एम एडिंग ऑल द डी ए ना, इट शुड गिव यू व्हाट? ए। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई। बोलो घुमा फिरा के वही लेके आ गया। बट ये कब एप्लीकेबल है? व्हेन ई इज कांस्टेंट। कैसा होता है ये ई कांस्टेंट? और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? ई इज वेरी। तो बोलो ना भाई, सभी ये तो सिमेट्रिकल बॉडी है ना, ऐसा ले लिया, ऐसा कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लिया ऐसा, और यहाँ पे प्लस चार्ज है ना, तो यहाँ पे एरिया सिलेक्ट करूंगा, 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 सबका डिस्टेंस सेम है अलग अलग, तो सबके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो सेम होगा अलग अलग। तो बोलो फ्लक्स अगर अलग अलग है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगा, सॉरी डिस्टेंस सेम है अलग अलग, तो E will be same or different? Different. तो flux, ये जो flux होगा flux at every point will be same or different? Different. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? E is variable here ना? तो जब भी variable होता है तो क्या use करते हैं? आया ना? तो ये कब use होता है? When E is? ये कब use होता है? When E is? Constant. समझा क्या? ऐसे. तो अभी बोलो यहाँ पे E variable है constant? कुछ होना हो यार हग गया इस कॉन्स्टेंट हाँ करना ही है, छोटे से छोटा सवाल पूछो, बड़े से बड़ा सवाल पूछो, कुछ भी पूछो, आदत हो गया है, सही ना? तो कैसा है यहाँ पे ई वेरिएबल कॉन्स्टेंट है ना, माफ हो जाते कोई कोई यार देखो क्या मुंह करके मुंह छुपा रहे हो, देखो ये क्या है पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा निकाला ना हमने, कितना होता है? वन अपॉन, अरे बोलो पता है कि नहीं? अरे दिस चार्ज हियर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉइंट चार्ज की वजह से है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन इनटू क्यू पाई आर स्क्वायर ना, इनटू बोलो एरिया कितना होगा इस स्फीयर का, टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर गया ये, तो बोलो फ्लक्स कितना आएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन, टोटल फ्लक्स है ना ये, नेट फ्लक्स इज व्हाट? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो सही है ये फाइनल। हेलो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गॉस लॉ। क्या कहते हैं? गॉस लॉ। सुन लेना का कान खुल गया। व्हेन चार्ज इज एनक्लोज्ड इन अ बॉडी द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट क्लोज्ड बॉडी ओवरऑल बॉडी वो हमेशा किसके बोल रहा है? क्यू बाय एप्सिलॉन। पूरे बॉडी में से एक कोई भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट में से, थ्री डी ऑब्जेक्ट में से जो टोटल फ्लक्स हमेशा पास होता है वो कितना होता है? क्यूब आए एप्सिलॉन। स्पीयर है, क्यूब है, कोन है ना, ये सब कैसे है? 2D है, 3D है, सिलेंडर है, 2D है, 3D है, तो इसमें से पास होने वाला टोटल फ्लक्स हमेशा कितना होगा? क्यूब आए एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? क्यूब आए एप्सिलॉन। ये गॉस लॉ का, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, समझ आ रहा है? टोटल फ्लक्स देख लो, स्टेटमेंट देख लो बॉस को, टोटल फ्लक्स फॉर अ 3D ऑब्जेक्ट क्लोज्ड सरफेस बॉडी इज ऑलवेज equal to q by epsilon, so matter is always equal to what? q by epsilon। आप
यहाँ पे अब ये बॉडी का शेप चेंज करो, साइज चेंज करो, ये टोटल फ्लक्स को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल फ्लक्स विल रिमेन द सेम। अरे भाई क्या बोल रहा, सुनाई दे रहा है आप लोग कि नहीं? सुन लो वापस, मैंने क्या बोला, आप यहाँ पे शेप चेंज करो, साइज चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ऐसे, ये एक स्पीयर, ये दूसरा स्पीयर, ये तीसरा स्पीयर है, ऐसा अलग अलग स्पीयर ले लिया ना, बोले इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 2R, इसका रेडियस है 3R, सही है? अभी यहाँ पे चार्ज था मैंने, यहाँ पे चार्ज, हियर इज द चार्ज, तो बोलो इससे क्या पास होगा, लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, क्या लगता है सबके थ्रू सेम जा रहा है अलग अलग? सेम ना, हेलो, फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स जो पास होगा हर एक के थ्रू सेम पास होगा, अलग अलग पास होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाने के बाद डिस्टेंस बढ़ रहा, कम हो जाएगा, पर एरिया भी तो बढ़ रहा है, तो वह दूसरा कंपनसेट करो, व्हाट इज फ्लक्स, ई इनटू ए ना, एरिया इज इंक्रीजिंग, ई इज डिक्रीजिंग, दे विल कंपनसेट, व्हाट विल द फ्लक्स, सेम, और फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन, समझा गया? इसमें से भी क्यू बाय एप्सिलॉन, इसमें से भी, इसमें से भी, सब के थ्रू कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन। नेक्स्ट अभी अगर ऐसा लिया मैंने कि यहाँ पे क्यूब है, ये क्यूब है ऐसा, यहाँ पे देयर इज अ कोन, और क्या बनाओ, सिलेंडर ले लो, हेलो सिलेंडर है, इसमें चार्ज है, सेंटर पर रखा है, तो इसमें चार्ज, इसमें जो फ्लक्स होगा टोटल फ्लक्स वैसे कितना होगा, समझ आ रहा है, क्लियर है ये? तो टोटल फ्लक्स फॉर एन एनक्लोज बॉडी, फॉर अ 3D ऑब्जेक्ट, फॉर अ क्लोज्ड बॉडी, डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज, हमेशा कितना होता है, नॉट थ्रू वन सर्फेस, पूरे बॉडी का ओवरऑल नेट फ्लक्स कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन, क्लियर है ये? ये होता है स्टेटमेंट ऑफ गॉस, ये कहना चाहता है गॉस, क्लियर है ये? और उसका प्रूफ देखो, ये उसका प्रूफ है ना, एक हमने क्लोज बॉडी लिया स्पीयर, और स्पीयर के लिए कितना आया, क्यू बाय एप्सिलॉन, अरे बोलो भाई इस तरीके से मान लो, चलो क्लियर है ये, नोट डाउन कर। क्या हो
हो गया। हेलो, हेलो, क्या फुटबॉल खेल रही है ना, अलग फुटबॉल चल रहा है। तो काम चलो, कुछ पॉइंट्स इतना रहता हूँ। मेरे को जो लिखवा रहा हूँ वो कुछ काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो कान खोल के और मुंह बंद रख के सुनना है। ऐसे नहीं देखो, ऐसे नहीं आपसे लफड़ा हो जाएगा, झगड़ा करके मैं बुला रहा है। चलो आगे, ऐसा मत करो भाई, नोट लिखना नोट। चलो नोट, फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज
from plus q charge, q by epsilon naught charge is produced. Q by epsilon naught charge is produced. From plus q charge, q by epsilon naught charge is produced. Q by epsilon naught, sorry, flux is produced. Sorry, yeah. Q by epsilon naught flux is produced. Samjha? So next aage. Dikhaiye. Aage. Flux for 3D object, right? Flux for 3D object is equal to Q by epsilon naught. Is equal to Q by epsilon. इसमें जो Q होता है ना Q, ये Q is charge inside. It is charge inside. अभी इसी ये जो flux है. अभी देखो दो पॉइंट बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कान खोल के. ये जो फ्लक्स है फॉर द लूप है ना, क्लोज लूप, चलो लिख दिया यार, is equal to charge upon epsilon. ये चीज याद रखो, flux for this closed loop, ये जो closed loop होता है, ये जो 3D object होता है, इसी को आप Gaussian surface बुलाते हो. क्या बुलाते हो? Gaussian surface. मतलब ये जो है, ये क्या है? Gaussian surface. जिसके थ्रू flux pass हो रहा है. Clear है? This is called as what? Gaussian surface. और ये flux में जो q by epsilon में charge होता है, this is charge inside the Gaussian surface. This charge inside the Gaussian surface. Clear again? ये याद है, बहुत important है, very important. रुक जाओ. अगर यहाँ पे ऐसा एक गॉसियन सरफेस है, चार्ज बाहर है इसके, चार्ज इज आउटसाइड, तो अब इसके वजह से जो नेट फ्लक्स होगा ना वो जीरो होगा. नेट फ्लक्स कितना होगा? जीरो. देखो रीजन जान लो इसका, बोले इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है लाइक दिस, बराबर ना? तो बोले ये पॉइंट है एक, ये पॉइंट है दूसरा. बोले ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है. बोले ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? यहाँ ना. इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा? यहाँ पे. तो बोले इधर कैसा आएगा? माइनस. इधर कैसा आएगा? प्लस. इसका एरिया वेक्टर इधर जा रहा है. ई इधर एंगल कितना? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसा करेगा. और नेट प्लस क्या होगा? ये समझा? यहाँ तो सेव इधर बार ये रही है, जो भी है पॉइंट नंबर कौन सा है? ये जो कौन सा था? थ्री. ये थ्री है, ये कौन सा है? फोर. ये रही है. अभी एक चीज ध्यान रखना है, लो पॉइंट नंबर फाइव. मान लो यहाँ पे चार्ज है ऐसा, क्यू वन है और क्यू टू है ऐसा, और बाहर Q3 ऐसा है, तो बोला नेट फ्लक्स में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? Q1 Q2. फ्लक्स ऑफ 1 प्लस फ्लक्स ऑफ 2 ना. इसका फ्लक्स नहीं होगा. सो आप जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना इसे, अभी फ्लक्स ऑफ द क्लोज्ड लूप, अभी और एक चीज ऐड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये क्या होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. अब ये एक चीज याद रखो, आप जब गॉस लॉ की बात करते हो ना, तो गॉस लॉ के लिए जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है. देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं,
ग्लूकोज़ के लिए हमने क्या कहा कि नेट फ्लक्स जो है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, बट कैन आई से यही नेट फ्लक्स फॉर द बॉडी, टोटल फ्लक्स ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट बी ए, दैट इज ई डी ए कॉस थीटा ना। और ये हम किसके लिए ले रहे, बोलो ये किसके लिए ओवर क्लोज रुक ना, तो ये भी किसके लिए ओवर क्लोज, तो इधर ऐसा बना दिया। सही है, हेलो क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है किसका, गॉस का, क्लियर है। तो चलो यहाँ पे सेम अगर अप्लाई किया, फ्लक्स फॉर द क्लोज लूप इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, ई डी ए कॉस थीटा लिख देता है, सही ना। फाइन, याद रखने का जो चार्ज होगा ना, चार्ज चार्ज इनसाइड है ना, ये चार्ज क्या होगा, क्यू वन प्लस, बट ये जो E होता है ना, E ये रिजल्टेंट होता है, और ये रिजल्टेंट में तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, टोटल चार्ज इज ओनली दैट विच इज इनसाइड, समझा, टोटल फ्लक्स इज ड्यू टू दिस चार्ज विच इज इनसाइड, बट जो E होता है E वो सबका रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट ऑफ, चलो कोई बता सकता है कि व्हाट विल बी द फ्लक्स, मान लो एक एनक्लोज लूप है उसमें एक डायपोल रखा है, डायपोल तो उसका टोटल फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो ना, क्योंकि उसका नेट चार्ज क्या होगा, चार्ज इनसाइड जीरो ना, नहीं समझा, तो लास्ट पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देना, नेट फ्लक्स फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल एनक्लोज इन अ लूप इज जीरो।
क्या हो गया? क्या हो गया शाओनी? मारो मारो हो गया ना। चलो अभी कंडीशन दिखना है थोड़े बहुत। राइट डाउन कंडीशंस फॉर गॉड फ्लो। राइट डाउन कंडीशंस फॉर हो गया। फिर क्या करते हैं? सो आई नो देयर आर फ्यू कंडीशंस फॉर गॉस लॉ। फर्स्ट इज द गॉसियन सरफेस। ये पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। एग्जांपल लिख द गॉसियन सरफेस should be symmetric, should be symmetric about charge or charge distribution. चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। सेकेंड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी, द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक at all points of Gaussian surface. At all points of Gaussian surface. Likh liya. Third is angle between. E bar and DA bar must be same. Must be same at all points. Last point is Gaussian surface must not pass through. Must not pass through. Kidhar se? Extra direct. But must not pass through any point. चलो डांस।
चलो डन ना, अभी देखो स्टेप्स भी देना, स्टेप फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, फिर इसके बाद एक साथ जब दबा लोग करते हैं स्टेप फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। फर्स्ट इज ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, सेकेंड इज मार्क ई बार कॉमा डी ए बार एन एंगल थीटा बिटवीन देम, मार्क ई बार डी ए बार एंगल थीटा बिटवीन देम। थर्ड इज देखो आगे फाइंड टोटल फ्लक्स, थर्ड स्टेप ऑफ फाइंड टोटल फ्लक्स एंड फोर्थ इज अप्लाई गॉस लॉ। चलो अभी शुरू कर, ठीक है। चलो अभी ना, अभी देखो आपको जो पॉइंट लिखा है उसमें कंडीशन देखना, कंडीशन फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक ना, किसके टर्म्स में, चार्ज के ना, मतलब जो भी चार्ज का पोजीशन होगा उसके हिसाब से गॉसियन सरफेस जो है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ जब चार्ज यहाँ पर है सिमेट्रिकल है ना, अगर मैं चार्ज को यहाँ पे ले लू तो इसमें गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल नहीं, फिर मुझे उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या होगा वो देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक, किसके लिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है लाइन्स ऑफ फोर्स का वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। थर्ड पॉइंट क्या है, एंगल बिटवीन ई बार एंड डी ए बार मस्ट बी सेम, समझा। नेक्स्ट क्या है वो बताता हूँ मैं क्या होगा जब ड्रॉ, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, देखो सबसे पहले तो अभी इसकी हेल्प लेके हम अलग अलग शेप ऑफ बॉडीज के लिए फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं देख लेना यार। सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। चलो पहले आप थोड़ा सा ट्राई करो, थोड़ा सा क्या करना है पता है ना, गड़बड़ करो कुछ ना कुछ, यहाँ झोल झपाटे करो कुछ ना कुछ, अपने सड़क लंबू बना के बैठो नहीं आए पड़ा हुआ है। चलो वो पॉइंट्स को अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया है पॉइंट्स में क्या दिया है तो आप ट्राई करना व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। मतलब याद है ना ऐसा, फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट इज लाइक दिस, मान लो यहाँ पे एक सिलेंडर है ऐसा, ये सेमी सिलेंडर है ऐसा, बात मत करो प्लीज,
तो इसके लिए जो चार्ज ना चार्ज हो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है फ्लक्स फॉर दिस सेमी सिलेंडर. इसका लेंथ है सेमी है ना ये एल बाई टू समझ आ रहा है. सेकेंड करते जाओ ड्रॉ शुरू हो जाओ. यह हेमिस्फीयर इसके कितना होगा ये फाइंड आउट करना है. क्या बोलते हो ऐसा स्क्वायर प्लेट है तो यहां पे ये डिस्टेंस a बाई टू है यहां पे ये a है a है a है ये भी a है. यहां पे चार्ज है ऊपर डिस्टेंस a बाई टू इसकी वजह से कितना होगा ये फाइंड आउट करना है. Flux for this plate. Flux for shaded area. Charge is here. Yeah.
एक करके बताओ, वो रीड करो पॉइंट्स को, फिर से समझे ना थोड़ा बहुत कुछ तो, मिलके ध्यान करो फिर। सर वो वैसे ही है ना, ऊपर फिर आधा सिलेंडर फिर से बना के। हाँ यार देखा तक नहीं है ना ऐसा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एरिया, किसका एरिया पूछ रहा है? अरे यहाँ तो एरिया आएगा ही नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट होगा। एरिया की तो कुछ इलेक्ट्रिक बिल जुड़ फाइंड आउट कर रहे। चलो देखो कैसे करना होता है सब क्वेश्चन, ध्यान देना भी यहाँ पे। चलो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपको? गॉसियन सरफेस चार्ज को कैसा होना चाहिए, इससे बढ़िया। चलो ये चार्ज है ना, तो उसके लिए ये गॉसियन सरफेस हुआ ना, बट देखो अभी वो यहाँ पर है, तो गॉसियन सरफेस के लिए सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है? तो उसको सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ये सिलेंडर को कंप्लीट करते हैं, सेमी सिलेंडर है ये, तो लेट अस कंप्लीट द सिलेंडर। सही है, तो इस सिलेंडर को ऐसे कंप्लीट किया, फाइन ना। तो अब बोलो जो चार्ज है वो सेंटर में लाई कर रहा है, तो अब उसके लिए सिलेंडर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। अभी देखो ये चार्ज बीच में है, तो ये चार्ज के वजह से बोले चार्ज नाउ लाइज इनसाइड अ क्लोज बॉडी अ 3D ऑब्जेक्ट। अभी अभी गॉस लॉ में हमने क्या सीखा कि जो भी 3D ऑब्जेक्ट होता है वो 3D ऑब्जेक्ट के लिए अगर चार्ज सेंटर में है तो वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द बॉडी विल बी ऑलवेज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ना, याद है कि नहीं? तो यहाँ पे व्हाट डू वी गेट कि ये जो चार्ज की वजह से अभी यहाँ पे होगा फॉर फ्लक्स फॉर द कंप्लीट सिलेंडर क्या होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन। तो सेमी सिलेंडर के लिए क्या होगा? क्यू बाय टू एप्सिलॉन। Yes or no? एक के लिए क्या है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो बोलो सेमी सिलेंडर के लिए क्या होगा क्यू बाय टू एप्सिलॉन। मैं समझा, लाइक दिस कैसे करना होगा समझा? तो चलो अभी देखते जाओ, यहाँ पे लिखने वाले बैठो। ये क्या है, और हेमिस्फीयर के टॉप पे है ना चार्ज, सिमेट्रिक है असिमेट्रिक? सही है, इट इज असिमेट्रिक। नेक्स्ट अभी क्या होगा बोलो, क्या कंप्लीट करो? सर्कल कंप्लीट। आई नीड टू कंप्लीट द स्फीयर ना, तो स्फीयर कंप्लीट हो गया ऐसे, समझा? ये जैसे ही स्फीयर कंप्लीट होगा तो बोलो यहाँ पे व्हाट विल बी द पूरे पूरे स्फीयर के लिए क्यू बाय
टाइम स्फीयर के लिए क्या होगा? क्यू बाय टू एप्सिलॉन। समझा क्या ये? यस हां बोल रहे क्लियर है ये। चलो नेक्स्ट इज क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। क्यू बाय 6 क्यू। अब देखो इसको अगर क्लोज सरफेस बनाना है तो क्यूब कंप्लीट करना पड़ेगा। आई नीड टू कंप्लीट द क्यूब, वन ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब ना स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे क्यूब कंप्लीट किया है ऐसा, ऐसा भी देता सही है। तो फिर मैं ये क्यूब के लिए कैसे कंसीडर करेंगे अभी? फॉर दिस क्यूब टेल मी, अभी ये पॉइंट यहाँ पे लाइक कर रहा है ना, रिलेशन ऑफ ए बाई टू मतलब सेंटर पे है ना यार, तो पूरे क्यूब के लिए कितना होगा? सो टोटल फ्लक्स फॉर द क्यूब इज, तो बोलो फॉर दिस प्लेट कितना होगा? सही है। बोले इसके लिए कितना होगा? सही ना। नेक्स्ट आगे अब देखो ये वन ऑफ द साइड पे लाई कर रहा है, सिमेट्रिक बनाना है इसको। हाँ सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। बोले सिमेट्रिक कब होगा? और एक क्यूब आएगा ना लाइक दिस। सही है। लाइक दिस बोलो भाई। सही है। So there are two cubes, na? अब बोलो ये total flux कितना enclose करेगा? Q by U. Q by epsilon. तो इसके लिए कितना होगा? Q by two. समझा ये? नहीं समझा। Q by two कितना होगा? Q by two ना? कुछ और होगा? नहीं। सही है? हाँ। अरे पूरे के लिए कितना है? Q by epsilon. सही है। तो ए के लिए कितना होगा? ऑन वन साइड। सही है ये। चलो आप कर लेना क्यू बाय एट ना। हाँ कितना स्पीयर ये बना होगा क्यू? फ्लक्स किसके थ्रू जाएगा? आठ क्यूब के थ्रू ना। पर आपको कितना क्यूब चाहिए? क्या होगा? क्यू बाय एट। नहीं समझा? समझा। Thank you.
शुभ है कितने चेक किए थे
मानसिक केसेस पकड़ मत लो देखो हम गए जब से
जो Q by Q एप्सिलॉन ये सब ले रहे थे वो सब किसके थ्रू ले रहे थे, यहाँ पे ऊपर जो था वो एक साइड के लिए ले रहे थे ना वहां पे, और यहाँ पे कैसा है एट द एज एट द कॉर्नर है ना। चलो अभी उसी के अंदर आप फाइंड आउट करके बताओ मुझे,
ये आपने क्या लिया है द कॉर्नर पूरे, देखो अभी यहाँ पे कितने क्यूब थे, 8 क्यूब थे ना, तो 8 क्यूब में से 8 क्यूब का टोटल नेट फ्लक्स कितना है, क्यूब एब्सेंट और एक क्यूब में से कितना जाएगा, क्यूब बाय 8 एब्सेंट, वहां पे लिख देना फॉर 1 क्यूब, ये भी किसके लिए था, फॉर 1 क्यूब, आप फाइंड आउट करो एक साइड से भी फाइंड आउट करो फॉर वन फेस, ये किसके लिए था, फॉर वन क्यूब ना, अरे समझा आपको क्या था, ये वाला जो आपने फाइंड आउट किया किसके लिए, सॉरी ये वन क्यूब के लिए आया था, साइड लिख दिया मैं, दैट इज वन क्यूब, ऐसा दो क्यूब लिया ना आपने, तो वन क्यूब में से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, क्यूब बाय टू एब्सेंट, सिमिलरली यहाँ पे कितने क्यूब लिए आपने टोटल, तो टोटल आपने लिया 8 क्यूब्स, सो फॉर 1 क्यूब फिर से कितना होगा, क्यूब बाय 8 एब्सेंट, टेल मी फॉर 1 फेस कितना होगा, फिर से वैल्यू फॉर 1 फेस क्यूब बाय 48, नहीं रॉन्ग होगा ये, कितना आएगा सोचो, फॉर 1 फेस फॉर वन फेस, फॉर वन फेस, देखो अभी कैसे होगा, फॉर वन फेस बोला आपने 8 क्यूब लिए, नहीं फॉर वन फेस में अभी आपको चाहिए, बोला आपने कितने क्यूब लिए, 8 क्यूब लिए, ये 8 क्यूब में से अभी एक क्यूब के एक फेस में से कितना जाएगा, तो आप यूजुअली किससे डिवाइड करते हो, 6 है ना, बट यहाँ पे 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्यूब यहाँ पे सिर्फ 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि देखो 8 क्यूब लेने में आपने क्यूब कैसे लिया, यहाँ पे क्यूब था, एक इधर लिया, एक इधर लिया, एक इधर लिया, फिर एक इधर 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 ना, इसकी वजह से ये क्यूब के कितने साइड ढक गए, तीन ना, देखो ये वाला इधर एक क्यूब है, 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 तो कौन सा ढक गया, देखो इधर ना, अरे बाबा इधर ना एक क्यूब, ये एक क्यूब इधर है आपका, फिर एक क्यूब इधर है, ऐसा एक क्यूब इधर है, फिर एक क्यूब पीछे 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 ना, तो ये वाला साइड ढक गया, ये वाला साइड ढक गया, और कौन सा पीछे वाला साइड ढक गया, और तो कितने साइड ढक गए, बचे कितने हैं, तो तीन साइड से फ्लक्स बाहर आएगा ना, उसमें से आपको एक साइड में से चाहिए, तो अभी बोलो किससे डिवाइड करोगे, 6 से 3 से, तो बोलो क्यूब बाय 48 एब्सेंट वाला आएगा, क्यूब बाय 24 एब्सेंट, समझाइए, चलो वहां पे लिख लेना, बोलो इसके लिए कैसा होगा, कितना साइड ढक गया, एक साइड ढकाना, तो फ्रॉम वन साइड के लिए भी क्यूब बाय 6 से डिवाइड करोगे 5 से, तो बोलो कितना आएगा फिर, क्यूब बाय 10 एब्सेंट, यस और नो, वैसा
हेलो समझाना ये। चलो नेक्स्ट अभी देखो ऐसा लिया अगर मैंने कोन लिया कोन लाइक दिस चलो सबको समझ लिया आगे बढ़े समझाना ये इफ आई टेक अ कोन हियर कोन कौन सा क्वेश्चन अभी एक क्वेश्चन है ये कौन सा नंबर कौन सा था इधर सेवन का चलो नेक्स्ट आ गया आगे मान लो ऐसा 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 कोण है दिस इज अ कोण हियर और चार्ज इधर है तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है ये जो पॉइंट है ना पॉइंट उसी को कट करके क्वेश्चन सर पे जा रहा है ना विच इज नॉट अलाउड ऐसा और नो लास्ट पॉइंट लिखा था ना हमने के क्वेश्चन सरफेस के नॉट पास टू एनी पॉइंट ना एनी पॉइंट मतलब एनी पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे चार्ज है आया तो यहां पे चार्ज इसके थ्रू पास हो रहा है ये तो ये अलाउड नहीं है अभी देखो क्या करना पड़ेगा बोला अब इसको इस तरीके से प्लेस होना चाहिए कि ये कट नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूंगा इसको कंप्लीट करो ना ऐसा बोलो कंप्लीट हो गया क्लोज सरफेस कैसे बनेगा अभी के लिए तो इसके लिए ओपन सरफेस हो गया ना यार तो अभी ये क्लोज सरफेस कैसे बनेगा बोलो कौन सी क्या बनेगा स्फीयर ना क्या बनेगा ये स्फीयर तो बोले गॉसियन सरफेस कंप्लीट किया क्या बनाया स्फीयर सर जब ये कौन जो है कौन इसका वर्टेक्स एंगल जो है थीटा कितना है अब देखो इसका फॉर्मूला में डिराइव नहीं कर रहा डेरिवेशन का जरूरत नहीं है हमको डायरेक्ट लिख देते तो देखो अभी पूरे स्फीयर का कंप्लीट क्या होगा क्यूब बाय एप्सिलॉन क्लोज सरफेस का ना हमको किसका चाहिए कोन का ना तो याद रखो फ्लक्स ऑफ कोन कितना है इट इज क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन इनटू वन माइनस कॉस थीटा फ्लक्स ऑफ कोन कितना क्यू बाय टू एप्सिलॉन इनटू वन माइनस कॉस क्लियर है ये होगा फ्लक्स ऑफ फाइन लाइक दिस चलो ये क्या रखना पड़ा वन माइनस बजे अंदर ही गए देख के भी गलत कॉपी करते हो एग्जाम में कॉपी का स्कोप भी नहीं रहा अभी चलो अभी आप ये वाला बताओ करके सोचो थोड़ा सा सोचो और करो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 देखो ऐसा करो ये मान लो ऐसा सिलेंडर ऐसा सिलेंडर है ये सिलेंडर के लिए चार्ज तो फाइंड द फ्लक्स फॉर कर्व सर्फेस फ्लक्स फाइंड आउट करना है फॉर कर्व सर्फेस चलो फाइंड आउट करना है चलो ट्राई करो Thank you.
देखो इसके अंदर ना ये सरफेस है, ये सरफेस और ये काउंट सरफेस क्या कुछ है ना, मतलब जो ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस को एलिमिनेट करना है ना, तो कैसे करेगी, कहना ऐसे चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कैसे पास होगा ऐसा ना, सही है, और यहाँ पे कैसे पास होगा ऐसे, सही है।
अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को देखूं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को देखूं, क्या बना रहा है? कोन ना, क्या बना रहा है? कोन। तो ये वाला क्रॉस सेक्शन, ये वाला क्रॉस सेक्शन इसके साथ क्या बनाएगा? कोन। तो मैं क्या कहूंगा, पूरे सिलेंडर का कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ना। अरे हाँ। तो होल सिलेंडर कितना होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन। तो फ्लक्स फॉर द होल सिलेंडर पूरा कितना है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी कितने कोन है? दो ना। हाँ। तो फ्लक्स फॉर द टू कोन कितना होगा? टू इंटू बोलो कोन का कितना है? क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा। वन माइनस कॉस थीटा सही है। अभी आपको क्या जानना है? थीटा। थीटा कितना होगा ये ना? जैसा और तो चलो इसमें अगर ये ले लिया मैंने दस इसके माइनस टू आर कितना ले लिया? और ये ले लिया आर सही है। ये कितना है? टू आर। ये कितना है? आर। तो बोलो ये आधा कितना होगा? आर ना। और ये भी कितना है? आर। ट्रायंगल कितना होगा? 45 ना। अरे भाई दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर। अभी साइज को मत जाओ। ये कितना है? ये भी कितना है? आर आर। वो ट्रायंगल कितना आएगा? 45। नहीं समझा। तो ये एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे? 45। एंगल कितना आ रहा है? 45 ना दोनों का। ये वाला, ये वाला, ये वाला सही है। कितना आएगा वर्टेक्स पे? कितना एंगल आएगा? 45। इज इट फाइन? यस और नो? तो वर्टेक्स पे जो एंगल है दैट इज 45। बोले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो कितना हो जाएगा? ये टू टू गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्या होगा? वन माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्या होगा? सही है। चलो ये मिल गया आपको। फिर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, आपको किसका मिल जाएगा? कर्व्ड सरफेस का। किसका? कर्व्ड सरफेस। अरे बोलो यार, ये रहे ये वर्टेक्स एंगल 90 होगा। किसका? 45। आधा एंगल 45 होगा ना। कहाँ बोल रहा है ये? हाँ सरफेस ये 45। हमने ये कितना लिया है वर्टेक्स एंगल? ये ऐसा होगा, यहाँ पे ये ऐसा ज्वाइन करेगा, समझा? ये ऐसा नहीं जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना ये। सभी वर्टेक्स एंगल आएगा, वर्टेक्स एंगल कितना आएगा? 45। ठीक है। कल थोड़ा सा जल्दी आना आप लोग, 11 बजे आना। ठीक है, खत्म कर। अभी सैलरी इम्यून क्या बच रही हो? उत्तर बीच में बहुत बड़ा ही मार दो, सुबह से शाम तक ले खत्म कर दो चैप्टर। जान दे रहे हो मेरे को। यार फटाफट खत्म कर दे लीजिए। ठीक है, अभी क्या कल गॉस थ्योरम खत्म, फिर पोटेंशियल, फिर कैपेसिटर। आपकी भी जान छोटी, मेरी भी नहीं, आपकी जान तो और फंसी। आपका तो हो गया निपटा के, हम फंसे।
अरे पार्ट सर का 11 में लेक्चर है, पहले कैसा होगा? कैसे होगा पूछा सुबह 11 बजे बोल रहा हूँ खड़े होकर फिर भी टाइम टेबल में सर हम लोग ही बनाते हैं अलग वो मैनेजमेंट से आ रहा है चलो हो गया ये वेट प्लीज डॉक्टर वाला लक्षण अभी से देख रहे चलो अभी नेक्स्ट हैंड करना है एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ गॉड आया समझा ना ये आया आंसर आया ये समझ गया कैसे करते हैं सर तो वो कर्व सरफेस मतलब ये वाला होता है कि ये वाला तो वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट रूट टू माइनस वन बाय रूट टू आएगा हाँ कोण मतलब पूरे से कोण का माइनस करना पड़ेगा दो कोण का तो फिर सरफेस बचा यार ये सब अच्छा लग रहा है हेलो चलो आ गया ध्यान दे रहा यहाँ क्या हो गया बोलो बोलो नहीं उसको समझा देते हमने क्या पूछा इसका नहीं पूछ रहा इसे इसका ही पूछ रहे हो तो हमने कोण लेके इसको एलिमिनेट कर दिया तो सिर्फ इसके थ्रू ही फ्लक्स जा रहा है दैट इज द इलेक्ट्रिकल ठीक है yes. चलो आगे अभी एप्लीकेशन में ध्यान देना फर्स्ट इज देखो इसी के अंदर मैं आपको स्टेप्स कैसे फॉलो करते बहुत सिंपल बताता हूँ फिर हमको तीन एप्लीकेशन करना वन इज फॉर स्टेट कंडक्टर वन इज फॉर वी टॉक अबाउट सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर हॉलो सिलेंडर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग और फिर हम लोग बात करते हैं अबाउट स्पीयर एंड शीट्स दैट विल कंप्लीट अवर गॉस थ्योरम ठीक है आज अभी एक तो करता कल एक तो कर ले फाइन ना तो एक साथ करा दिया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा भाग भी जाओगे लेक्चर बैठोगे सूरज सर का भी लेक्चर बैठना जरा भी भागने की अगर फुर्सत में हो तो देख लेना बैठे वाले हो ओहो हो आज क्या है रिवीजन है क्या है कर क्या है वो सॉल्व चलो ध्यान देना अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट इज एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन में देखो अभी इतना ई बार ड्यू टू और सी गॉस लॉ गॉस थ्योरम से हमने फ्लक्स फाइंड आउट किया ना बट एक्चुअल में जो गॉस थ्योरम होता है वो यूज ही करते हैं हम लोग क्या फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिफरेंशियल्स ऑफ वोल्टेज यस और नो तो अभी सबसे पहला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E bar due to infinitely long charged wire. Electric field due to infinitely long charged wire. चलो तो अभी ध्यान देके चलो यहाँ पर pay attention. चलो application steps बताया हुआ मैंने आपको पहला step क्या draw Gaussian surface. सेकेंड क्या है मार्क ई बार डी ए बार एंड एंगल थीटा बिटवीन देम थर्ड क्या है फाइंड नेट फ्लक्स एंड फोर्थ क्या है अप्लाई गॉस थ्योरम या तो गॉस थ्योरम ठीक है एकदम सिंपल है देखो यहाँ पे आप एक समझ जाओगे बाकी सब आ जाएगा
So, मान लो ये वायर है यहाँ पे ऐसा, दिस वायर इज इनफिनिटी लॉन्ग, ऐसे वायर ले रहा हूं मैं यहाँ पे व्हिच इज इनफिनिटी लॉन्ग, ये इन्फिनिटी तक जाता है, सही है। और इसमें चार्ज है, चार्ज वायर है, चार्ज इज प्लस, ये देखा ऐसे प्लस चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट इज आगे, मान लो ये पॉइंट, डिस्टेंस है आर, इधर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है ड्यू टू दिस चार्ज वायर फाइंड आउट कर, आई नीड टू फाइंड आउट दिस। सो अब मैं हेल्प लूंगा गॉस थ्योरम, इसको थोड़ा सा मैं अंदर वायर कर सकता हूँ, ड्रॉ करना इजी होगा ऐसा, पॉइंट बी। चलो लेट अस अप्लाई गॉस लॉ, फर्स्ट स्टेप क्या है, चलो ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, और इसके साथ हम और एक पॉइंट को इन्वॉल्व करते हैं, दैट इज कि जब आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो ये मेक श्योर करना है कि जब गॉसियन सरफेस रहे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल दिखना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। चलो तो अभी आप बताओ मुझे गॉसियन सरफेस का शेप कैसा होना चाहिए, आप सिलेंडर ना, वायर है, वायर का शेप कैसा होता है, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके सराउंडिंग मुझे गॉसियन सरफेस बनाना है, सच दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब जो चार्ज है उसके लिए वो गॉसियन सरफेस कैसा दिखाई दे, तो कैसा ड्रॉ करना चाहिए, सिलेंडर यस और क्या ड्रॉ करना चाहिए, सिलेंडर। तो देखो मैं सिलेंडर ऐसा ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान से कान खोल के सुनना पड़ा, ये रहा सिलेंडर, दिखा बना दो, लाइक दिस, इधर यहाँ पे मार्क करूं ई बार डी ए बार एंड थीटा बिंदर, सो देखो कैसे होगा, बोलो अभी चार्ज वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बोलो चार्ज वायर में चार्ज कौन सा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है, अभी ना तो ऐसा जाएगा ये लाइक दिस, ये आगे जा रहा है, ठीक है ऐसा आगे, क्या बोलते हो, लाइक दिस, दिस इज द वे, सही है। अभी नेक्स्ट, चलो आगे ये हो गया ई बार, दिस इज ई बार, ये और आप क्या मार्क कर रहा है, डी ए बार, क्या मार्क करना है, डी ए बार, तो बोलो डी ए बार किधर भी ले, मतलब एक छोटा सा पार्ट लेना है मुझे, सो टेल मी नाउ डी ए बार कहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, दिस इज व्हाट डी ए बार, ये है ई बार, और इसी के अलावा क्या हो, ई बार डी ए बार, सही है, ई बार डी ए बार, ई बार डी ए बार, बोलो व्हाट इज दी एंगल बिटवीन द, सही, आप कहीं पे भी ले लो, देखो ना यहाँ पे भी लेते हो तो सिलेंडर का सरफेस ये जो है इसमें से भी ई बार ऐसी जाएगा ना, ई बार ऐसी जाएगा, ई बार ऐसी जाएगा, ई बार ऐसी जाएगा, तो अगर आप कहीं पे भी डी ए बार सिलेक्ट करोगे तो उसके थ्रू जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हर जगह पे एंगल जीरो होगा, कुछ और होगा, समझा जाइए, तो बोलो फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे, चलो यहाँ पे सबसे पहले थीटा जीरो है, सो थीटा इज जीरो बिटवीन व्हाट, इज इट क्लियर, लाइक दिस, सो फर्स्ट स्टेप डन, सेकंड स्टेप डन, थर्ड क्या है,
फाइंड द टोटल बोलो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है टोटल फ्लक्स के लिए व्हाट वी नीड टू डू इंटीग्रेशन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉस थीटा यस और नो व्हाट इज थीटा जीरो फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी कैन आई से इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट यार ना हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा देखो ना डिस्टेंस सबका सेम ही है ना यार आर यू गेटिंग अ पॉइंट अरे यहाँ से लू यहाँ से लू ऐसा सबके लिए डिस्टेंस कैसा है सेम तो सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा सेम सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट और वेरिएबल है नहीं समझा तो ई कैसा रहेगा ऐसे ही रहेगा बोलो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होगा यहाँ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए लिया चलो ना अभी देखो ना यहाँ पे अगर ऐसा लेते हो व्हाट विल आई टेक यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए होगा एरिया ना व्हाट एरिया शुड आई टेक सिर्फ कर्व सरफेस वाला ना कौन सा लूंगा सिर्फ कर्व सरफेस क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे लेते हो ऐसा इफ यू सिलेक्ट डी ए बार हियर इफ यू सिलेक्ट डी ए बार हियर डी ए बार का बोलो डायरेक्शन कैसा होगा ऊपर और नीचे ना एंगल कितना बनेगा तो बोलो उसके लिए फ्लक्स होगा क्या तो फ्लक्स सिर्फ किसके लिए होगा कर्व सरफेस ना नहीं समझा आपने गॉसियन सरफेस सिलेंडर बनाया ठीक है आपको पूरे के थ्रू फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो अब मुझे पता है पूरे के थ्रू फ्लक्स फाइंड आउट करना सिलेंडर के तीन एरिया ऊपर एक क्रॉस सेक्शन नीचे एक क्रॉस सेक्शन और एक कर्व सरफेस हाँ ना बट बोलो क्रॉस सेक्शन के लिए एंगल कितना है बोलो एंगल 90 होगा जीरो तो फ्लक्स क्या आएगा जीरो बोलो फ्लक्स जीरो है नेक्स्ट हमको क्या मिलेगा फ्लक्स जीरो आया ना किसके लिए क्रॉस सेक्शन बचा कौन सा सरफेस बोलो कर्व सरफेस के लिए अब फ्लक्स ये एरिया कितना होगा एरिया फ्लक्स सिर्फ किसके लिए बचा कर्व सरफेस ना तो यहाँ पे एरिया जो लूंगा एरिया वो भी किसका लूंगा सिर्फ कर्व सरफेस का बोलो कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है नहीं पता कर्व सरफेस का एरिया होता है वही तो हुआ ना भाई एरिया ये और ये तो इन्वॉल्व ही है ना इसमें वो भी कंसीडर होता है ना कर्व सरफेस का तो वो तो एरिया तो पाया स्क्वायर हुआ ना नहीं समझा चले सर्कमफेरेंस हुआ ना क्या हुआ नहीं याद नहीं है नहीं हम सिलेंडर का एरिया 2 पाई आर लेते थे कर्व सरफेस का ही लेते हैं क्रॉस सेक्शन का तो पाई आर स्क्वायर होता है ना ये ऐसा ऐसा और ऐसा ना वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर है ना नहीं समझा क्लियर है ये कितना होगा एरिया 2 पाई आर जो आप बोलते हो सिलेंडर का एरिया वो सरफेस एरिया ही होता है जो आप बोल रहे हो You are talking about area of cylinder. कितना लेते हो? 2πr. कौन सा area है वो? Surface area. नहीं समझा? समझ. वैसा. चलो ये होगा 2πr. Fine. चलो अभी ये क्या मिल गया मुझे flux था? अभी last step क्या है? By Gauss. सही है? और क्या मिलेगा? फ्लक्स तो मिल गया मुझे क्या चाहिए मुझे ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे ये फ्लक्स हो गया नेक्स्ट व्हाट डू आई वांट ई ना तो डायरेक्टली इधर ही ले लेता चलो ई जो होगा अभी तो चलो बाय गॉस तो लिख देता हूँ यहाँ पे व्हाट डू आई राइट बोलो फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इज व्हाट क्यू बाय एप्सिलॉन तो ये भी टोटल फ्लक्स है ये भी टोटल फ्लक्स है ना इक्वल करूंगा तो क्या मिलेगा q बाय एप्सिलॉन व्हिच इज इक्वल टू व्हाट सही है तो बोलो व्हाट इज e हियर q अपॉन एप्सिलॉन इज 2 बाय r अब देखो ये जो है ना ये इनफाइनाइट लेंथ का इट इज ऑफ इनफाइनाइट
ये जो लेंथ है किसका है? गॉसियन सरफेस का। इफ यू सी दिस रॉड, बोला अभी यहाँ पे ये तो इनफाइनाइट लेंथ है ना, तो वो इनफाइनाइट लेंथ के लिए टोटल चार्ज कितना होगा हमको नहीं पता है। तो पता है हमने पिछली बार भी किया था ये, कैसे लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए मैं क्या लेता हूँ? लीनियर चार्ज डेंसिटी ना, दैट इज व्हाट लैम्डा। बोला लैम्डा क्या होता है? क्यू बाय एल। तो क्यू क्या होगा? अभी मुझे उतना ही चार्ज चाहिए जितना गॉसियन सरफेस में, हाँ है ना, मुझे उतना ही चार्ज लेना है जितना ये गॉसियन सरफेस में है। तो बोला क्या होगा फिर? What will be Q here? Lambda into L upon epsilon into 2 pi r। बोलो E क्या हो जाएगा? Lambda upon 2 pi epsilon। समझाइए ये for लोग, और E का relation r के साथ कैसा है? Inverse। समझा क्या है लोग? ये r मतलब this can be small r, ये होगा ना यार, तो इसको small r ले लो चाहिए, ये जो मैंने लिया है। बोले क्या होगा? लैम्डा ऊपर 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। बोले ई इज इनवर्स ऑफ टू व्हाट आर। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका सही है ये, लाइक दिस, दिस इज ई वर्सेस पाई, ऐसा। चलो समझा क्या करना होता है।